हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? तो टुडे वी आर लर्न जीके। आज हम क्या पढ़ने वाले? जीके। एंड जीके में हमारा टॉपिक है सुपरमार्केट एंड एयरपोर्ट। ओके, तो सुपरमार्केट से आप क्या समझते हैं? सुपरमार्केट मींस एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा मार्केट जहां आपको सारी जरूरत की चीजें अवेलेबल हो, सारी चीजें आपको इजीली मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सुपरमार्केट। मतलब आपको अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़े। मीन्स आपको अगर शॉपिंग करनी है, अगर आपको पहले राशन लेना है, दैट मीन्स ग्रॉसरी। राशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉसरी। राशन में क्या क्या आता है? दाल, चावल, आटा, ऑयल, खाने की जो घर में बनाते हैं, जिसको हम उनकी जो चीज़ें होती है वो ग्रॉसरीज में आती है। तो अगर मुझे ग्रॉसरी भी लेनी है और मुझे कपड़े भी लेने हैं और या तो मुझे कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, तो मैं तीन अलग अलग प्लेसेस पे जाऊंगी। पहले मैं ग्रॉसरी लूंगी, फिर मैं कपड़ों के मार्केट में जाऊंगी, क्लॉथ मार्केट में जाऊंगी, कपड़े लूंगी, फिर मैं फ्रूट मार्केट में जाऊंगी। तो अलग अलग मुझे सेपरेट जगह पे जाना पड़ेगा। पर अगर मैं एक प्लेस पे चली गई, दैट इज कॉल्ड सुपर मार्केट, तो मुझे वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर मार्केट। जैसे आपने बिग बाज़ार देखा होगा ना, आपने रिलायंस देखा होगा, आपने वी मार्ट देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? विशाल, मेगा मार्ट, ये सब क्या होते हैं? सुपर मार्केट। कि आप एक प्लेस पे जाओगे और आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप जब सुपर मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो आपको, मान लो आप बिग बाज़ार में गए हो या किसी भी सुपर मार्केट में गए हो, तो आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो कस्टमर, मतलब हम, क्योंकि हम सामान जो उस मार्केट में सामान परचेस, मतलब खरीदने जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कस्टमर। हम क्या बोलते हैं? कस्टमर। तो हम क्या हैं? कस्टमर है। अगर मैं किसी मार्केट में वेजिटेबल लेने के लिए गई हूँ, तो मैं क्या हूँ? कस्टमर हूँ। ओके, नाउ सेकेंड है कैशियर। कैशियर मतलब जो काउंटर्स पे बैठे होते हैं ना, पैसे लेते हैं। हमने जब पूरा सामान ले लिया, फिर हम जिन्हें पैसे देते हैं वो क्या होते हैं? कैशियर्स। ओके, जो जो पैसे का लेन देखते हैं कि ये सामान इतने का हुआ और इतने पैसे मुझे लेने हैं, मुझे आपको इतने पैसे रिटर्न करने हैं, वो क्या होते हैं? कैशियर होते हैं। ओके, अब हम सुपर मार्केट में जाते हैं तो हमको फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स दिखते हैं हमको, हमको वहाँ वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, सारी तो नहीं, सारे फ्रूट नहीं, पर हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं और वेजिटेबल्स भी मिलती है सुपर मार्केट में। फिर जब हम बहुत सारा सामान लेते हैं, तो हम अपने बैग्स में या हाथ में तो नहीं उठा के मार्केट में घूमते ना, वहां पर क्या होती है? ट्रॉली, राइट? ऐसी बनी होती है ना ट्रॉली, सबको पता है, यहाँ व्हील्स लगे होते हैं, ये है ट्रॉली, ठीक है, आपने देखी ना सुपरमार्केट में ट्रॉली, तो ये हो गई हमारी ट्रॉली। तो ट्रॉली होती है वहां, जिसमें हम अपने सारे परचेस किए हुए सामान हम उसमें डालते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं। फिर स्नैक्स, सुपरमार्केट में और क्या चीज़ें मिलती हैं? स्नैक्स मिलते हैं। जैसे स्नैक्स में आप आपके आते हैं चिप्स, फ्राइम्स, और आपकी कोई भी स्टेक, चॉकलेट्स तो नहीं, और भी जो आपके स्नैक्स वाले आइटम होते हैं, फिंगर फ्राइज, स्माइली, और ये सब चीज़ें जो आप खाते हैं, मिक्सचर और बिस्किट्स, ये सब किस में आते हैं? स्नैक्स में। और सुपरमार्केट में मिलते हैं एग्स, एग्स भी मिलते हैं। ओके, नाउ
सुपरमार्केट में और क्या चीज लगती है हम जब जाते हैं? एक तो कैशियर के पास हम पैसे देते हैं, कैश मतलब नोट देते हैं, 10, 20, 100, 1000, 500, 50, ठीक है। और एक आपने देखा होगा कार्ड होता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। बहुत सारी जगह कार्ड मशीन होती है ना वहाँ कैशियर के पास, जिससे हम स्वाइप करते हैं, हम कार्ड देते हैं, ठीक है। तो सुपरमार्केट में जाते हैं तो हमें इसकी भी नीड होती है, क्रेडिट कार्ड की, ओके, या फिर डेबिट कार्ड। तो वो कार्ड होता है इतना बड़ा, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के पास होता है, ओके। फिर वहां पर रैक्स बने होते हैं, बड़े बड़े फ्रीजर्स होते हैं जिसमें फ्रोजन वाले आइटम होते हैं, ठीक है, दही, बटर, मिल्क और आइसक्रीम्स, वो सब किस में रखे होते हैं, रैक्स में, मतलब एक बड़ी सी अलमीरा टाइप की होती है और ये रैक्स बने होते हैं, इसमें सारे सामान रखे होते हैं, बॉक्सेस में, पैकेट में, बॉटल्स में, ठीक है। तो ये वहाँ देखने मिलता है। स्टेशनरी का सामान भी मिलता है, स्टेशनरी, स्टेशनरी का सामान मतलब पेन भी मिलते हैं, कॉपीज भी मिलती है, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, यूटेंसिल्स भी मिलते हैं। सुपरमार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी क्लॉथ्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, यूटेंसिल्स मिलते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, शूज मिलते हैं, स्लीपर्स मिलते हैं। तो सुपरमार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ हमें इजीली सारे ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा, सुपरमार्केट में, ठीक है। सुपरमार्केट में आप जाते हो, आप सामान परचेस करते हो, आप ट्रॉली में रखते हो, देन आप किसके पास जाते हो, कैशियर के पास, काउंटर में, वहाँ पर आपको वो सामान की बिलिंग करते हैं, ठीक है, और आपको बिल देते हैं। फिर आपके पास कैश हो तो आप कैश देते हो या तो फिर कार्ड देते हो, ओके। तो ये हमारा सुपरमार्केट है। नाउ अब हम पढ़ेंगे एयरपोर्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मोस्टली सबने देखा है, राइट, और हम टीवी में भी देखते हैं एयरपोर्ट। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों को सबसे जो एयरपोर्ट जिस नाम से चलता है वो सबसे पहले क्या आता है, एरोप्लेन। एयरपोर्ट मीन्स एयरबेस, मतलब हमें एक जगह से किसी दूसरी जगह अर्जेंट जाना है या फिर हमें जाना ही है, तो जो वो ट्रैवलिंग का जो मोड होगा वो होता है एयर, ठीक है। तो उसे हम उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, एयरपोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एयरपोर्ट में वो होती है एरोप्लेन, ठीक है। आपने सबने देखा है एरोप्लेन, राइट। तो एयर आप इमेजिन करो कि आप एयरपोर्ट में हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है एरोप्लेन, ओके। एरोप्लेन होता है, फिर वहां पर एक होते हैं कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस तो नहीं होती है वहां, ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, कस्टम ऑफिसर्स, वो आपकी टिकट्स लेंगे, है ना, और वो चेक करेंगे आपको। फिर होते हैं पैसेंजर्स, पैसेंजर्स मतलब हम जिन्हें एरोप्लेन में बैठ के एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, वो हम क्या हो गए, हम पैसेंजर्स हो गए, क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, हमें जर्नी करनी है, हमें जाना है, ओके। फिर वहां पर होता है एक लॉन्ज होता है, लॉन्ज मतलब एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर आप मान लो जैसे फ्लाइट, हमको एरोप्लेन से जाना है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट से। जैसे अगर मेरी फ्लाइट 10 बजे की है और वो 11 बजे की हो गई, लेट हो गई, ओके, या मैं जल्दी आ गई हूँ, तो वहां पर एक एरिया होता है एयरपोर्ट में जिसे हम बोलते हैं लॉन्ज, वहां पर आप बैठ के वेट कर सकते हो, ठीक है। वो सोफे वोफे रखे रहते हैं, ओके, टेबल्स होते हैं, वहां पर आप रेस्ट कर सकते हो, बैठ के वेट कर सकते हो, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लॉन्च। फिर
टिकट काउंटर होता है, ऑब्वियसली टिकट के बिना तो हम जा ही नहीं सकते, चाहे हम ट्रेन में जाए, चाहे हम बस में जाए, फिर हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, हम टिकट्स के बिना जा ही नहीं सकते। तो हमारा टिकट का काउंटर होता है, पहले हमारी टिकट्स चेक होती है, फिर हमें अंदर एरोप्लेन में जाने मिलता है। तो वहां पर क्या होता है, टिकट काउंटर होता है। और टिकट्स के साथ एयरवेज में ट्रेवल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज पासपोर्ट। ओके, पासपोर्ट एक ब्लू कलर की डायरी जैसी चीज होती है, ठीक है, वो हर एक का अलग अलग बना होता है, वो होता है पासपोर्ट, ठीक है। फिर हम चेक इन, एयरपोर्ट में क्या होता है, चेक इन होती है। चेक इन मतलब आपने टिकट दी, आपका जो सामान है वो चेक होगा कि कितने केजी का है, कितना है, फिर चेक इन, फिर हमारी चेकिंग होगी, तो उसको, और फिर तब हमें अंदर जाने मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेक इन बोलते हैं। फिर वहाँ सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी के लिए, कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और बहुत सारी सिक्योरिटी होती है हमारी सेफ्टी के लिए। ओके, फिर एरोप्लेन तो पता ही है। और कंट्रोल पावर, एक एयरपोर्ट में बड़े बड़े से कंट्रोल टावर्स बने होते हैं जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बनी होती है यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसे कंट्रोल टावर बोला जाता है, ठीक है, जहाँ से सब वो लोग मैनेज करते हैं कि कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी जा रही है, किसको किधर जाना है, किस कौन सी फ्लाइट में कौन बैठेगा, तो वो होता है कंट्रोल टावर। और लास्ट है कैफे, एयरपोर्ट में कैफे होता है और बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं कि अगर आपको वेट करना है तो वहाँ कॉफ़ी पी सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, शॉपिंग्स के लिए भी होते हैं, छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, आप शॉप भी कर सकते हैं, तो एयरपोर्ट ऐसे होता है। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा, सुपरमार्केट एंड एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट में हमको क्या क्या लगता है, पासपोर्ट लगता है और टिकट्स काउंटर होते हैं, लॉन्च होता है, चेक इन होती है, सिक्योरिटी होता है, एरोप्लेन होता है, कैफे होता है, कंट्रोल टावर होता है, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं और हम होते हैं पैसेंजर्स। ओके, तो अब आपको सुपरमार्केट एंड एयरपोर्ट पूरा आपको बुक्स में देखना है, पिक्चर्स देखनी है और इसे लर्न करना है, राइट? थैंक यू।